नमस्कार, मैं निनाद शुक्लक पुणे से हूँ और मुझे जयपुर संगीत महाविद्यालय के फेसबुक पेज से लाइव आने का ये जो मौका मिला है, इसके लिए मैं जयपुर संगीत महाविद्यालय के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पुणे स्थित मेवाती घराने के महान कलाकार डॉक्टर विजय साठी जी, उनसे 18 साल से मेवाती घराने की शिक्षा ले रहा हूँ और मुझे मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरे मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी का भी सहवास मिला, उनका भी आशीर्वाद मिला है। यद्यपि उन्होंने ही मेरा हाथ मेरे गुरुजी डॉक्टर विजय साठी जी के हाथ में सौंपा है, इसलिए आज की जो महफिल है वो मैं हमारे बड़े गुरुजी संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को समर्पित करना चाहता हूँ। पूरे देश में मेरे शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के 500 से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं और कोरोना के इस महामारी के काल में फेसबुक लाइव जैसी जो सुविधा है हमको मिली है तो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि घर बैठे ही हम लोग हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पुनश्च एक बार मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जयपुर संगीत महाविद्यालय के सभी शिक्षकों से, गुणीजनों से। राग पुरिया से शुरू करना चाहूँगा। पुरिया राग में फूलन के हरवा, ये विलंबित एकताल की बंदिश है। विलंबित एकताल का जो ठेका है वो हम हमारे मशीन पर ही सुनेंगे। और श्याम कुंवर मोरे घर आए, ये बंदिश मैं ले रहा हूँ तीन ताल। उस तीन ताल में मेरी माताजी स्वाति शुक्ल ही मेरे साथ बजाएगी तबला। इस बंदिश का एक विशेष ऐसा है कि श्याम कुंवर मोरे घर आए, ये बंदिश जो है वो एक तरह से लक्षण गीत भी है पुरिया का। इसका अंतरा ऐसा है, गवादी और नी समवादी, गवादी और नी समवादी पंचम अति बचाओ, गवादी और नी समवादी पंचम अति बचाओ, चतुर्गुनी का यही वाक्य है मध्यम सुर को बढ़ाओ। शाम कुंवर मोरे घर आइए, तीन ताल की बंदिश है। शुरू करता हूँ आपकी आज्ञा से राग पुरिया। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं बहुत लोगों तक पहुँच सकूँ और बहुत सारे आशीर्वाद मुझे मिल सके। श्री आनंद तारी
Oh.
Oh,
चालू कर बंद पड़ गया। माफ करिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सब बंद हो गया था, उसके लिए माफ करिए। Oh, la la la, yeah.
Gamadani dani 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 dani
Ah.
एक थोड़ा अप्रचलित राग पेश करना चाहता हूँ जिसका नाम है राग ज्ञानकली। ज्ञानकली ये जो राग है वो ज्यादातर मेवाती घराने में ही गाया जाता है। इसमें गंधार और पंचम वर्ज है और रे ध और नी ये कोमल है। शीर्ष धरन गंगा भाल चंद्र गले भुजंग डमरु कर धर महेश उमिया अर्ध अंग। अभी मुझे हाल ही में ICMA करके जो एक संस्था है अमेरिका में जो प्रख्यात गायक कलाकार पंडित महेश काली जी की संस्था है, उस संस्था ने मुझे अभी आर्टिस्ट एप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजा है। 25,000 रुपये का ये अवार्ड है और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और इस प्रोग्राम की खासियत ये भी रही कि एक प्रोग्राम चला पूरा मंथ में हर सैटरडे या संडे को और दो दो कलाकारों को गाने का मौका दिया गया फेसबुक लाइव के जरिए और उनको अवार्ड भी दिया गया। तो उस प्रोग्राम के श्रृंखला में आखिरी प्रोग्राम जो था वो मेरा था और उसी प्रोग्राम की जो शुरुआत थी वो हमारे बड़े गुरुजी आदरणीय संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी ने की थी। और एक वैशिष्ट उन्होंने ऐसा कहा महेश जी काले ने मुझे कि जिस प्रोग्राम की शुरुआत आपके बड़े गुरुजी ने की थी उसी प्रोग्राम की श्रृंखला का समापन उसी के घराने का एक युवा कलाकार कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे भी बहुत गर्व की बात लगी है। तो उस प्रोग्राम में मैंने ये राग गाया था, झपताल की ये बंदिश है, बहुत ही बढ़िया बंदिश है, एक कुछ अलग भी सुनने को आपको मिले जाएगा। और Ah
Thank you.
Wow.
बहुत धन्यवाद कि जयपुर संगीत महाविद्यालय के इस फेसबुक पेज से मुझे लाइव आने का मौका दिया। जो भी अच्छा लगा हो गाने में वो मेरे गुरुजी डॉक्टर विजय साठे उनका है, और जो भी कुछ कमियां हैं वो सब मेरी है ऐसा मैं मानता हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार।